मोदी के खिलाफ आग उगलने वाले पहले प्रमोद कृष्णम से निपटे। पीएम मोदी के आगे आचार्य प्रमोद कृष्णम ढाल बनकर खड़े। मोदी के परिवार पर सवाल उठाने वालों पर प्रमोद कृष्णम भड़के। मैं भी मोदी का परिवार अभियान में आचार्य प्रमोद भी शामिल हुए। एक सौ चालीस करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने इंडिया अलायंस की रैली में एक गलती ऐसी कर दी है जिससे लग रहा है उन्होंने सीधे सत्ता की चाबी ही मोदी के हाथों में सौंप दी है। इंडिया अलायंस के ही सदस्य राहुल गांधी वाली गलती को लालू प्रसाद यादव ने दोहराया है जिससे मोदी के और बढ़कर चमकने का अंदाजा लगाया जा रहा है। पीएम मोदी ने भी लालू प्रसाद यादव के बयान को खूब भुनाया है और देश के 140 करोड़ जनता को अपना परिवार बताया है। और पीएम मोदी के लिए बीजेपी ने एक अभियान चला दिया है। सोशल मीडिया पर मैं भी मोदी का परिवार ट्रेंड कर रहा है। इसी बीच में मोदी को बुरा कहने वालों को पुराने कांग्रेसी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम से भी सुनने को मिल गया है। आचार्य ने भी मोदी विरोध में जहर उगलने वालों को तगड़ा जवाब दे दिया है। सोशल मीडिया पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मैं भी मोदी का परिवार हैशटैग का इस्तेमाल कर एक पोस्ट में लिखा है, देशभक्त की एक पहचान माँ का नाम भारती और बाप का नाम भारत। अब आचार्य प्रमोद कृष्णम के ट्वीट पर लोग तरह तरह के प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। निरंजन कुमार ने लिखा है, बहुतायत क्रांतिकारी आचार्य जी। भगवान राठौर नाम के यूजर ने लिखा, लालू यादव द्वारा मोदी जी को परिवार विहीन बताना गलत मानसिकता है। वो किसी पार्टी के नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं और पीएम मोदी देश के हर नागरिक को अपना परिवार मानते हैं, इस नाते मैं भी उनका परिवार हुआ। राजेश पटनी नाम के यूजर ने लिखा, आचार्य जी हम इस धरती को अपनी माता कहते हैं किंतु कोई इस धरती का राष्ट्रपिता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक और यूजर ने लिखा, रोम रोम में राम है, कब तक राम का अपमान सहे, एक समय आया राम भक्ति छलक आया, सारे बंधन तोड़ राम के चरणों में आ गए। तो कुछ इसी तरह से आचार्य प्रमोद कृष्णम के पोस्ट पर लोग अलग अलग तरह के प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। हालांकि पीएम मोदी ने खुद भी लालू यादव के खुद पर किए गए कटाक्ष का जवाब दे दिया है। पीएम मोदी ने लालू यादव पर पलटवार करते हुए खुद को एक खुली किताब बताया है और साथ ही 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार बताया है। पीएम मोदी ने विरोधी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा, भ्रष्टाचार परिवारवाद और तुष्टिकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। सुनिए आगे पीएम मोदी ने परिवार की बात आने पर तू तड़ाक पर उतरे लालू प्रसाद यादव को कैसे जवाब दिया। और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। ये प्यार भाइयों बहनों, एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था, कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है।
140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार। पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि उनके परिवार पर लांछन लगाने को लगा ले। लेकिन पीएम मोदी का परिवार वहीं गुजरात में रह रहे उनके भाई बहनों तक सीमित नहीं है, बल्कि वो तो 140 करोड़ देशवासियों के प्रधान सेवक हैं और ये सभी इनका परिवार है। वहीं पीएम मोदी के इस संकल्प को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी पोस्ट से और बल दे दिया है, साथ ही लालू जैसे मोदी विरोधियों को तगड़ा जवाब दिया है। वैसे आप लालू प्रसाद यादव के पीएम मोदी पर किए गए तंज पर उन्हें किस तरह से जवाब देना चाहेंगे, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।